अबे क्या बताएं, जिंदगी एकदम हैरान होके रखी हुई है। अबे कल ही तो बताया था तुमको, अरे वो कांड हो गया था ना, अरे वो प्रिंसिपल की बेटी के साथ। अरे भाई साहब, अरे लोगों ने उसको डांट दिया और फिर उसके बाद वो रोते रोते आई हमारे पास, तो हम बेल दिए उन लड़कों को। अबे वही लौंडे वे कैरेक्टर टू हाँ सर। नहीं वो एक्चुअली मैंने किया था पर मैं भूल गई। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ मत बोलना। और ये प्लीज, ये अंगूठी वाला बॉक्स तो बंद ही रखो। सुनो प्लीज, मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। नहीं ना ना ना, एक भी शब्द मत बोलना, अब सिर्फ मैं बोलूंगी, समझे? क्यों कर रहे हो तुम ये मेरे साथ? मतलब तुमसे मिलने से पहले मैं कितनी बिंदास थी। सीरियसली, हर कोई यही कहता था कि मेरे से ज्यादा बिंदास लड़की कोई है ही नहीं। हाँ ये भी सच बात है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मैंने अपने जितने भी दोस्तों को तुमसे मिलवाया है, एक्चुअली मेरे दोस्त है ही नहीं, वो सब डरते हैं मुझसे। मैंने एक बार कहा और वो तो तुरंत आ गए तुमसे मिलने। वो सब डरते हैं मुझसे क्योंकि मुझे किसी की भी इज्जत उतारने में 2 सेकंड नहीं लगते। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी किसी को ना तो प्लीज कहा, ना थैंक यू, ना मैं कभी किसी के जोक पर हंसी। हंसी तो सिर्फ अपने ही जोक पर। और तो और, रेस्टोरेंट में मैं किसी वेटर को कभी टिप्स भी नहीं देती थी। जब भी मौका मिलता था 1 मिनट में इज्जत उतार देती थी लोगों की। बहुत ही बदतमीज और मुफ्त थी। मुझे कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे अंदर एक बदलाव आना शुरू हो गया। मैंने महसूस करना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा मन करता है कि मैं पार्क में जाऊं, घूमती रहूं, पेड़ पौधों को देखूं, धीरे धीरे सीटी बजाते हुए चिड़ियों से बात करूं। तुम्हारे से मिलने से पहले इस तरह के विचार नहीं थे मेरे। अब मेरा मन करता है कि मैं लोगों की सेवा करती रहूं, जब मौका मिले इंसान की मदद करूं। अब मुझे आसपास के हर इंसान से प्यार होने लगा है, सब मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और ये सब तुम्हारे से मिलने के बाद हुआ। लोग तो मेरे इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम्हें भी लगता ही होगा कि तुम्हारी संगत ने मुझे कितना अच्छा इंसान बना दिया। बस अब इसी बात का मुझे डर लग रहा है कि एक बार तुमने ये बॉक्स खोलकर मुझे अंगूठी पहनाई और शादी करने के लिए कहा तो मैं तो सारी जिंदगी एक अच्छी इंसान बनकर ही रह जाऊंगी। और मुझे पूरी जिंदगी एक अच्छी इंसान बनकर नहीं बितानी है। सुनो, मुझे एक अच्छा इंसान नहीं बनना है, नहीं बनना है। मैं जैसी थी बहुत अच्छी थी। प्लीज मुझसे शादी करने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं सारी जिंदगी लोगों की सेवा करते करते ही मर जाऊंगी। और फिर एक दिन, मतलब कुछ सालों बाद, जब मैं सोकर उठूंगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर दी एक अच्छा इंसान बनाकर। मतलब मेरी पूरी जिंदगी तो लोगों की सेवा करते ही निकल गई। भगवान के लिए प्लीज इस अंगूठी वाले बॉक्स को यहां से ले जाओ। मतलब समझो मेरी बात को, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है, इस दुनिया को मेरे जैसे अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है। मैं जैसे भी हूं ठीक हूं, मैं वैसे ही रहना चाहती हूं। मत करो तुम ऐसा मेरे साथ। मैं तुमसे सिर्फ कह नहीं रही हूं,
तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूं। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मुझसे ये मत कहना कि मैं तुमसे शादी करूं। बहुत हो चुका है भाई। ठीक है, थैंक यू सर। साक्षी, पता नहीं लेकिन मैंने जो देखा, मेरे हिसाब से तो एक मिनट जरा, मैंने देखा ठीक है, एक तो तुम्हारे हाथ दोनों ऐसे रहते हैं, थ्रो आउट हाथ तुम्हारे ऐसे थे, थ्रो आउट हाथ, एक हाथ तो तुम्हारा जाम था बिल्कुल, एक जैसे यही जैसे कि ये कील गाड़ कर रख दिया हो, और इसी से परफॉर्मेंस चल रही थी, एक हाथ से परफॉर्मेंस थी ठीक है। थ्रो आउट आप क्या, थ्रो आउट स्टार्ट टू एंड आपके हाथ एक दोनों जगह से हिले नहीं, हाथ बिल्कुल गड़बड़ है और नहीं, बहुत नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ये बिल्कुल चौकअप हो गई बॉडी है ना। तो बेटा इसका ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है एज एन आर्टिस्ट, आपकी बॉडी बिल्कुल ओपन अप होनी चाहिए, बॉडी फ्री होनी चाहिए, आप आपके कहीं पे भी हाथ जाते हैं, लेकिन आपके हाथ यहाँ से बिल्कुल बंधे हुए थे। एनीवे anyway,